कैसे हैं आप सब? तो डेली यूज़ के सेंटेंसेस हैं, रोज़ाना बोले जाने वाले वाक्य। तो आइए देखते हैं। जस्ट सिट आवर हेयर, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? कैन वी जस्ट सिट आवर हेयर क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। इसमें किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कैन का यूज़ हम पहले कर रहे हैं। कैन वी, क्या हम? सिर्फ कोई सवाल पूछ सकते हैं या कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं, क्या मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या मैं सिर्फ यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं सिर्फ यह देख सकता हूँ। तो ये है क्या हम। एक सेंटेंस से आप काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो इंग्लिश बनाने का और अपने माइंड में बैठाने का एक सबसे बेटर तरीका ये होता है कि हम जो है एक सेंटेंस के बहुत सारे सेंटेंस बना सकें। तो आप बनाते रहिए ताकि आपको कंटिन्यूसली जो है माइंड में रहे और आप जो है रेगुलर यूज़ कर सकें और आपके माइंड में सेट रहे सेंटेंसेस, ताकि आप हिंदी के सेंटेंस जो है हिंदी में ना बना करके इंग्लिश में ही आपके माइंड में रहने लगेंगे। कैन वी जस्ट सिट ओवर हेयर, क्या हम यहाँ बस बैठ सकते हैं? ही रीड्स नॉवल्स, लड़का है इसीलिए एस लगा है, रीड्स ही आया है। किसी भी नाम के साथ लड़का हो या लड़की हो या ही या शी, तो रीड्स लगता है, एस लगाया जाता है। ही रीड्स नॉवल्स, दे रीड नॉवल्स। अब यहाँ दे लगा है तो इसलिए एस नहीं लगा है। दे रीड नॉवल्स, आई के साथ भी नहीं लगता है एस। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया है, दे रीड नॉवल्स, वे उपन्यास पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, इसमें कितना समय लगता है, इसमें कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक। हाउ बिग वाज इट, वह कितना बड़ा था। हाउ बिग वाज इट। विच वन डू यू प्रेफर, तुम्हें कौन सा पसंद है। हाउ डज इट वर्क, यह कैसे काम करता है। हाउ डज इट वर्क, यह कैसे काम करता है। विल इट रेन टूडे, क्या आज बारिश होगी। विल इट रेन टूडे, क्या आज बारिश होगी। आर यू गोइंग आउट टूडे, क्या आज आप बाहर जा रहे हैं। आर यू गोइंग आउट टूडे, आउट बाहर। आर यू गोइंग आउट टूडे, क्या आज आप बाहर जा रहे हैं, रहे हैं, तो ing लगा है। When was it finished, यह कब समाप्त हुआ। When was it finished, What are your symptoms, इसके लक्षण क्या हैं। What are your symptoms, Do you have anything big, क्या आपके पास कुछ बड़ा है। Do you have anything big, क्या आपके पास कुछ बड़ा है। I have got a larger size, मेरे पास एक बड़ा आकार है। I have a, ये इसका आंसर आप दे सकते हैं। Do you have anything big, इसका आंसर आई हैव गोट ए लार्जर साइज, मेरे पास एक बड़ा आकार है। मेरे पास एक बड़ा आकार है, एक लार्जर साइज है। आई हैव गोट ए लार्जर साइज। आई रीड नॉवल्स, मैं उपन्यास पढ़ता हूँ। आई रीड नॉवल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन को क्लिक कीजिए।